ये दो कमेंट्स देखने के बाद वाकई में मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ये भाई कह रहे हैं कि आप कई दिनों से गायब हैं, क्या आप जेल में हैं? क्या वाकई में जेल में था मैं, और किस जेल में था मैं, जेल क्यों गया था और अब इस टाइम पर कहां पर हूं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि अब मैं कहां पर हूं, क्या मैं वाकई में जेल में गया था या फिर इस वक्त मैं कहां पर काम कर रहा हूं। सो प्यारे भाइयों, आप मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस टाइम पर मैं कहां पर हूं। मैं जो है ना काम कर रहा हूं इस टाइम पर एक शरीका में, इराक में ऐसे शरीका कहते हैं, एक टाइप का शोरूम में काम कर रहा हूं। शोरूम है, दरवाज़ों का शोरूम है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। साफ़ सफाई का काम है और थोड़ा बहुत दरवाज़े वगैरह इधर उधर ले जाने का काम है। इस टाइम पर मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ। इसकी है टाइमिंग, सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ और रात के 9 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। और आप ये मेरा रूम ही समझो, यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह रखे हैं ऊपर, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं सब कुछ करता हूँ। कपड़े वगैरह यहाँ पर मेरे रखे हुए हैं, ये जो जो भी मुझ पर बीती हैं या फिर जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो अब मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि मैंने वीडियो किस वजह से जो है ना अपलोड नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना ही जेल में गया हूँ और ना ही मैं जेल में था। मैं यहाँ पर था और काम कर रहा था इराक में। मैं सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक डेली मैं जो है ना काम करता हूँ यहाँ पर, साफ़ सफाई वगैरह बहुत से काम हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो मैं काम करता हूँ और रोज़ाना इसी वजह से जो है ना मेरे YouTube पर भी आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं जो है ना YouTube को क्विट यानी छोड़ दूँ, बस इट्स ओवर, यानी मैं आगे नहीं अपलोड करूँगा अपनी वीडियोज़, ये मैंने फ़ैसला किया था। लेकिन ये जो कॉमेंट्स आपके आ रहे हैं, मैंने समझा कि एक वीडियो ज़रूरी है अपने YouTube फैमिली के साथ, इसको डिस्कस करूं कि आगे मुझे वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो मेन वजह थी कि मैं काम कर रहा था, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बाकी मैं जेल में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली जो है ना अपना चैनल कंटिन्यू रखूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने काम काज के जो है ना इराक से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। बाकी अगर आप नहीं चाहते, बस ख़त्म कर दूँ सब कुछ, जो है ना आगे वीडियो नहीं अपलोड करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो होप करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलते हैं किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।